अमित जी, यहीं से हमने अगर एडिबल ऑयल की बात करें तो एडिबल ऑयल पैक में भी हमने यहाँ पे कुछ नरमी आते हुए देखी है। आज तो देख रहे हैं कि जो सोयाबीन, जो यूएस सोयाबीन $1756 तक ऊपर हाई लगा चुका था, वही सोयाबीन अब 1600 की रेंज में ट्रेड करती नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, एडिबल ऑयल पैक और सोयाबीन कैसे रहेंगे अब? जी देखिए, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में फिलहाल ऐसा लगता है दबाव रहेगा। हालांकि पिछले हफ्ते जो उछल आया था उसमें संभावना बनी थी कि ये जो तेजी है ये जारी रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो माहौल है दोबारा नरमी की तरफ हमने प्राइजेस को जाते हुए देखा है। खास करके अगर भारतीय बाजार में देखें, दोबारा हमने 1480 तक के प्राइजेस देखे हैं रिफाइंड ऑयल में, तो मुझे लगता है कि कुछ समय और ऐसा लग रहा है कि नरमी का रुख रहेगा। और 1480 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग बेसिस हम प्राइसेस जाता हुआ देखें तो लगभग 1455 तक रिफाइंड ऑयल देखेंगे। वहीं सोयाबीन में भी क्योंकि पिछले लोज हमने टूटते देखे हैं तो ऐसा लग रहा है कि 6600 तक के स्तर शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे, यानी तेजी के आसार अभी कुछ समय तक नहीं होंगे। हालांकि बीच में अच्छे उछाल देखे गए थे 7200 तक, लेकिन चूंकि प्राइस सस्टेन नहीं हो पाई है, मानना है कि ओवरऑल शॉर्ट टर्म नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते हैं 6600 तक के दाम भी देखने मिल सकते हैं। जी,